कैसे हैं आप? और माजा माइक है ना ये गड़ा। अच्छा, हिंदी समझते हैं आप ना? हिंदी समझते हैं ना? कौन से गांव के हैं आप जो ये ताज को लेने जा रहे हैं, क्या है ये? बुद्रुक भी बिजापुर का है मैं। अच्छा, हाँ लेकिन क्या है, वो जमीन हमारा है, नहीं जमीन के, ताजमहल का जमीन जो है हमारा है। पर लोग कहते हैं वो शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ने बनाया उन्होंने, वो सब करेक्ट है, लेकिन जमीन जिस पे बना है ना वो जमीन हमारा है, वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है उसके ऊपर, हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, कंट्रक्शन। हाँ कंस्ट्रक्शन उन्होंने मारा है, लेकिन क्या है, जमीन हमको बिना बताए मेरे परदाता से सल्टा लिया ना उन्होंने। हाँ ओके। हाँ तो ऐसा वो जमीन हमको वापस मांग दे। क्या अभी मैं शेतकरी आदमी है, हाँ हाँ किसान आदमी है, मेरे को खाली खेती करना आता है, तो मेरे को उधर खेती करने का है, मेरे पास जमीन नहीं है। अच्छा। तो मेरे को जैसा ही ये 23 सितंबर को अभी हमारा निकाल लगने वाला है, जैसे अपने हक में आ जाएगा, मैं ताजमहल को हटा देगा और मैं वहां पे अपना खेती बाड़ी करेगा। अरे बाप रे, तो इन लोगों ने कौन कौन ने ताज नहीं देखा? नहीं देखो देख लो बाबा जल्दी जाके आप भी आ, नहीं तो 23 सितंबर को उधर से हाँ थैंक यू होने वाला है सब। हाँ जी, अच्छा पिक्चर में ही देखा, तो प्लीज आप चले जाओ तो। खैर हम इनको देंगे, आप मौका देंगे, अरे मौका देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देगा, हैं? मैं जयंती भाई से रिक्वेस्ट करेगा टिकट के लिए। अच्छा, हाँ तो वो सब हो तो जाएगा, भाई को टेंशन आइए नहीं। आपकी यहाँ पे। अच्छा, आ भाई को आई है ना? हैं? हाँ बुलाओ मेरी जरा। दोनों भाई को आई है। ऐसा। हाँ पर तू कर, तू एक कर। भाई को ने बोला अरे मेरे लिए भी ताजमहल बनाने का, मैं बोला देरी तो तू कर रही है। तो मैं अपना भाई को जो तुकाराम का जो भाई को है, तुकाराम का भाई को बुलाता है, सुनंदा मराठे आ ओ जाओ। सुनंदा के लिए जोरदार तालियां। ओ हो सुनंदा, क्या बात सुनंदा। आप कौन से गांव की हो? मैं भी बुद्रुक बुद्रुक बिब्लापुर बिब्लापुर। की। अच्छा, सेम सेम सेम। हो हाउ? अरे बाप रे। अच्छा, तो ये जो आपको मालूम था कि इनके पूर्वज की ये जमीन थी, ये जहां ताजमहल बना था, मालूम था नहीं, आपको? मेरे को तो लगन के बाद मालूम पड़ा। अच्छा, तो हो कैसा कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड हाँ प्राउड 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 फील। बरोबर बोलती थी, बरोबर बोलती थी। हाँ प्राउड महसूस किया तुमने, हो ऐसा? क्या ज्यादा वो पैसा दिखता है ना, जमीन एकदम ताजमहल वाला जमीन है। अच्छा, हाँ तो ऐसे ज्यादा पैसा दिखेगा तो प्राउड ही लगेगा। हाँ इसको बोलो किधर अपना इंटीरियर का, किधर का मराठवाड़ा में किधर अंदर का जमीन देगा, तो बोलेगा नहीं लेगा। अच्छा, हाँ उतनी वो की चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ज्यादा ताजमहल का चाहिए। अच्छा मिलेगा ना उधर। एक बात बताओ सुनंदा, कि वहां पर ताजमहल की जब हट जाएगा वहां पे, तो क्या क्या वहां पे पैदा होने वाला है? मैं अपना एक खूबसूरत सा झोपड़ा बनाएगी बाजू में। हाँ और देखा क्या देखा। ऐसा होता है, हाँ ताजमहल हटा के झोपड़ा बनाएगा। ओके, और वहां पे खेती किसानी होगी ऐसा? जरूर होगी। अच्छा, वो क्या है, अभी आप देखेगा तभी तो आपको पता चलेगा उधर क्या पहला कौन सा खेती होता था और किधर हुआ हमारा खेती का सामान किधर सप्लाई होता था, हाँ। वो सब आपको तुकाराम पे। तो जैसे कि देखा जाए तो भाई तुकाराम पूरी तरह से तैयार है ताजमहल को हटाने के लिए, बंद करने के लिए। तो आप लोग प्लीज जितना जल्दी हो सके ताजमहल देख लीजिए, क्योंकि आपने कोर्ट से अनुमति ले ली है बंद करवाने की। हाँ बिल्कुल, जब तक ये इसका फैसला नहीं होता है हाँ। केस का, तब तक मैंने विनंती की है ताजमहल बंद रखने पर का। इतने सालों बाद कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसको बंद करना चाहिए, मेरी जमीन है, वो कैसे याद आया? क्या है, अभी किसान के लिए जमीन उसका माँ होता है। ओके और किधर उसको जमीन में, ओके बोला मैं भी है, मैं देखा तुम्हारे साथ मैं भी इंग्लिश बोलने लगा। तो किसान के लिए जमीन अभी माँ होता है, उधर किधर उसको खेती करने को नहीं मिलेगा, तो वो फिर ढूंढेगा मैं किधर कर सकता है। ऐसा मैं ढूंढ रहा था तो मेरा एक पिटारा में मेरे को मिल गया पेपर, ओके, तो और इसके पेपर आपके पास है? मेरे को पता चला कि वो ताजमहल का जो पूरा जमीन है ना वो हाँ अपना है। तो मैं बोला फिर सही है ना, अभी अपना जमीन है तो उधर जाके खेती करने का अपन, क्योंकि अपने को तो उतना ही आता है ना, हाँ किसान को खाली खेती बाड़ी करना आता है, बरोबर, तो उधर जाके करने का, जमीन मिल गया बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ वो अभी क्या जमीन पार्लियामेंट का होता था ना, तो हाँ मैं उधर भी यही करता था। अरे लगता है अगली फिल्म में तुम पार्लियामेंट जाओगे। पार्लियामेंट जब सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन तो वही है। बहुत बढ़िया। मैं इस फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहां निमंत्रण करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अजीत सिन्हा साहब, माइक्रोफोन दिया जाए। अजीत साहब बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 800 फिल्में बनती हैं, उनमें से सिर्फ 150 या 200 फिल्में पर्दे पर लग पाती हैं, और बड़े गर्व और बड़े खुशी की बात है कि आज इतने सारे लोग यहाँ पर आपके साथ मौजूद। एक बार जोरदार ताली चाहिए। सर जी, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, क्या विचार आया कि आपने सोचा कि ये कहानी पर काम करना चाहिए? सर जी, ये कॉन्सेप्ट एम सलीम जी ने मेरे पास लेके आए थे, जो राइटर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आ जाए यहाँ सामने।
हाय सलीम भाई, और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी और बहुत ही यूनिक लगा मुझे। ओके। और मैं ये कहानी लेकर के हमारे प्रोड्यूसर श्री पवन जी और अभिनव वर्मा जी के पास गया, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, और उसके बाद सुरेश जी और मंजरी जी यानी तुकाराम और सुनंदा के पास गया मैं, और उनसे कहा कि भाई ये कहानी है। ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए और बहुत खुश हुए और मुझे सपोर्ट किया। पर श्रेयस सलप्रदी क्यों? क्योंकि ये कहानी महाराष्ट्र से संबंधित था, इसलिए श्रेयस के पास जाना हमें उचित लगा। और सबसे कम बजट में वही आने वाला था। नहीं नहीं, बजट बजट की बात ही नहीं थी, क्योंकि बजट तो बाद की बात थी। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए था, और श्रेयस जी चूंकि एक्टर तो है ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज रुलाएंगे क्या? आज तो मैं चाहता हूं कि मैं पवन जी को भी स्टेज पे बुलाऊं। प्लीज कम ऑन द स्टेज पवन जी, प्लीज। पवन जी एक बार जोरदार ताली चाहिए पवन जी के लिए। अभिनव वर्मा जी आइए स्टेज पे। पवन जी आइए। ये दोनों हमारे प्रोड्यूसर हैं। क्या बात। और हमारे एक प्रोड्यूसर और हैं जो धवलगढ़ा जी, वो भी आ पाए। धवल, ओह हो, क्या बात है धवल। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हेमंत पांडे जी स्टेज पे आए। ये इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। पांडे जी आ गए। और अब मैं जयंती भाई जी को बुलाऊंगा। प्लीज कमांड द स्टेज, जयंतीलाल गणा जी को प्लीज कमांड द स्टेज। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही है जयंती भाई, कि बहुत सारी फिल्में आती हैं और आपके पास तो अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइनअप है। जयंती भाई माइक्रोफोन। जयंती भाई इतनी सारी फिल्में, अभी तो कमल 2 आने वाली है, कहानी 2 आने वाली है ना, उसके बीच में इतनी छोटी, इतनी प्यारी, इतनी कमाल की फिल्म, या आप हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्या रीजन था इस फिल्म में, क्या नजर आया आपको? ये फिल्म हमको दिखाई अजीत जी ने और पवन जी को साथ लाए, फिर अच्छी दोस्ती बनी, तो फिल्म बहुत अच्छी है, तो हमने बोला कि इसको लानी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा ब्रेक लिया था बिजनेस से, तो इसीलिए डिले हुई। फिर उनके बाद सेंसर ने इनको लगभग 6-7 महीने प्रॉब्लम करी, सेंसर में बहुत प्रॉब्लम हुई, और सेंसर ने जो लाइन लिखी जिससे हम लोग सब लोग पढ़ के भी दुखी हैं कि ये फिल्म दिखाने से हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद हो जाएंगे। लगता है प्रोमो देखकर तो लगता नहीं है सर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये लिखा है और वो लेटर भी है, तो हमने बोला सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं ये फिल्म से स्टार्ट करूँ, इसलिए बात आज सबसे पहले रिलीज हो रही है। क्या बात है। पांडे जी बहुत सारी फिल्में की, ऑफिस ऑफिस से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी कॉमेडी शो बने होंगे, सर्वोपरि आपका नाम है पांडे जी। इस फिल्म में क्या खास बात नजर आई, क्या कहानी ऐसी है जो आपको दिल को छू गई और लगता है कि यार लोगों को बहुत पसंद आएगी? पहली बात तो बड़ी इमोशनल सी कहूँगा कि अजीत भाई ने मुझे ये विलन का रोल दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने सालों से कॉमेडी कर रहा था और एक्टिंग लगभग एक बार छोड़ भी चुका था, संन्यास भी ले लिया था, बहुत तंग आ गया था कि उसी रोल के लिए बुलाते, अरे इसके लिए तो उनको बुला लो टाइप ना। लेकिन अजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने विश्वास किया, और पहले ही दिन हमने 3 पेज का सीन किया था श्रेयस और हमने, 1 टेक, लाइट जा रही थी, उस दिन के बाद से सब लोगों का, पूरी टीम का भरोसा हो गया कि हाँ ये विलन वाला रोल भी कर सकता है। और आज क्यों ऐसा लगता था कि आप विलन नहीं कर सकते हो, तो सही नहीं, हम तो हैं लेकिन देते नहीं थे ऐसा रोल, तो आज मेरी 12-13 फिल्में बन के तैयार हैं, जिसमें से 5 भी रिलीज हो गई, तो 3-4 में विलन हूँ आने वाली फिल्म। अगली फिल्म में जयंती लाल गढ़ा जी को दिखाया जाए, उन्हीं वो कोई करेंगे आप सब, आज वो मिल चुके हैं, और उनकी वाकई उनका टेस्ट जिस तरह का मदद करी या एक सपोर्ट दिया तो बल बढ़ता है, क्योंकि हम तो कलाकार हैं, मजदूर हैं, हो सकता कल को आपकी फिल्म में भी दिखाई देंगे, कोई पान वाला भी पिक्चर बनाई देगा तो उसमें भी दिखाई देंगे, लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमारे साथ काबिल लोग जुड़े, बेहतरीन अभिनेता के रूप में श्रेयस जुड़े, मंजरी, अजीत भाई, सलीम जी, इतना अच्छा लेखन लिखते तो 25 साल से, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से 10-10, 12-12 फिल्में अच्छी लिख रहे हैं, तो ये अच्छे लोगों से मिलने का समय आ गया है, और इन तमाम अच्छों में जयंती भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बेहतरीन फिल्म को सपोर्ट किया, क्योंकि पिक्चर को जितना मैंने देखा है मेरे दिल की अच्छी पिक्चरों में से एक है। थैंक यू पवन भाई। ये फिल्म करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा ओवरऑल अनुभव, कैसा रहा? इसको बनाने में बहुत अच्छा लगा हमारे को, थोड़ी तकलीफें भी आए काफ़ी इसके अंदर,
हालांकि मैं इससे पहले भी एक रीजनल मूवी भोजपुरी बना चुका हूँ, तो इसलिए इसको बनाने में मुझे जो पहले पिक्चर होती है उसका वो नहीं हुआ तकलीफ कि कैसे बनती है क्या है, काफ़ी कुछ नॉलेज थी मेरे को इसके बारे में। बट कंटेंट सुनने के बाद मैंने दूसरी पिक्चर मैं बनाने जा रहा था फिजी में, उसको छोड़ के इमिडिएटली इसको शुरू की और कम्प्लीट की। तो इस बार तो श्रेयस ले रहे हैं, ताज अगली बार क्या दिलवाने वाले हैं इनको? आईफल टावर। आईफल टावर। अजीत भाई, ऐसी फिल्में छोटी फिल्म होती हैं, बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन एक मैसेज देके जाती हैं, ये क्या मैसेज देने वाली है एंड में? सर इसका मैसेज तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो आप फिल्म देखने के बाद बिल्कुल आप उसको करेंगे, लेकिन ये एक एक 100% मैसेज वाली पिक्चर है किसानों के लिए, जो हमारे श्रेयस जी शेतकरी बने हैं, जो किसानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यह है सर। क्या बात है। तो देखिए श्रेयस, अगर माइक्रोफोन मैं पूछूं आपसे, देखिए बहुत सारे ऐसी फिल्में आती हैं और आपने जितनी भी फिल्में की हैं लगभग कंटेंट ऐसा कमाल का होता है, कोई सी भी फिल्म उठा के देख लीजिए, आप पहली इकबाल से देख लीजिए, सब फिल्म में कमाल कंटेंट होता है। टीवी इंडस्ट्री से आप आए हैं, थिएटर करते हैं आप, इतने सारे फॉर्मेट में काम करने के बाद आज ये वाह ताज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो इसमें बड़ा यूनिक था, आपको ऐसा लगे कि यार वाकई ये ऐसी फिल्म और बननी चाहिए? आई गेस सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही काफ़ी यूनिक था। सो यू नो अजीत जी और सलीम भाई जब मिलने आए थे तो मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सेट नहीं आने दो प्लीज़ आधा घंटा मिलते हैं, और उनका ठीक है ठीक है, मैंने कहा एक वन लाइन सुनाइए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना नरेशन करें, अच्छा नरेशन ठीक है आई पहले वन लाइन सुन लेते उसके बाद में नरेशन, तो मैंने कहा वैसे ही एक 15 मिनट मिल लेते, एंड 15 मिनट में उन्होंने कहा कि सर छोटी सी कहानी है, एक किसान है जो महाराष्ट्र से उठ के आगरा चला जाता है, ताजमहल के बाहर खड़ा होता है और कहता है ये ताजमहल जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन हमारी है, और मैंने कहा अच्छा और आगे? वेरी गुड। उन्होंने कहा आगे सर नरेशन होगा। ओह, जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। सो आई थिंक दैट वाज द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर मी आल्सो, कि अगर ऐसा कुछ है तो सामने वाले को भी फट से यू नो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एंड दैट्स व्हाट रियली अपील्ड टू मी इन एज फार एज वाताज इज कंसर्न, आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक वाताज, जो वाकई में एक कंटेंट ड्रिवन फिल्में जो होती है विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ऐसी फिल्म है, एंड आई रियली वांट टू थैंक ईच वन प्रेजेंट हियर टुडे फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फिल्म। क्या बात है, क्या बोलना चाहेंगी कि आपका मंजरी, बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं, और श्रेयस को आपने किन किन फिल्मों में देखा है आपने ये बताइए? मैंने श्रेयस को इकबाल में देखा है, वेलकम टू सज्जनपुर में देखा है, गोलमाल में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है। सो जब मुझे ये ऑफर आया आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज एक तो श्रेयस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज एन एक्टर, नॉट बिकॉज ही स्टैंडिंग हियर, रुलाएगा क्या? ऑसम। सो आज तेरी दोनों भाई को भी खुश है, दीप्ति इज गोइंग बैक होम इमीडिएटली, नहीं दोनों भाई को तेरी बहुत खुश है आज तो। ओके, हां सॉरी सॉरी हमने इंटरप्ट किया, सॉरी। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दिस एंड आई लव्ड द कांसेप्ट, लाइक श्रेयस सेड कि आई वाज डैम एक्साइटेड, एंड अजीत जी आई वांट टू से मेरी पहली पिक्चर से अजीत जी हैज बीन इन टच विद मी, एंड ही टोल्ड मी इन माय फर्स्ट फिल्म कि मैं जब अपनी पहली पिक्चर बनाऊंगा ना आई एम गोइंग टू कास्ट यू, एंड ही स्टूड बाय दैट, एंड ही ऑलवेज लाइक व्हेन ही वाज एवर मेकिंग अ फिल्म ही वाज ऑलवेज लाइक यू नो अप्रोचिंग मी फर्स्ट एंड आस्किंग मी लाइक ये है रोल, विल यू वांट टू डू इट एंड ऑल, एंड आई वाज सो हैप्पी व्हेन आई हर्ड दिस कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली वी गॉट टू वर्क टुगेदर। You know, Manjari has always played very urban characters. The first time ever that she's playing a very rural kisan ki wife kind of a character. But glamour nahi jayega. To aage dekho, Nauwari aapko dekh rahi hai? Haan, dekh. Zara ek fat se ek turn marna Manjari. Hey, dekho. Oh. So backless. So glam quotient nahi choda usne. No, that was so, the stylist, blouse ka backless. Not me. So maine jab pehli first day of shooting, hum log sab ready hoke aaye hue, Manjari, hi Manjari wagera sara ho gaya. Aur jis ne turn mari, maine kaha, teri. Hey, backless blouse. But that was not my call. That was the creative call from the team. Yeah. Wo sab actor aise hi bolta hai, don't worry, hai na? करने का खुद को है, बेचारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फंसाने का है। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें आप लोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो। Thank you.
अरे सब रोल खत्म हो गया, हो गया. ओके थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. आइए ओके श्रेयस मंजरी. किया गया था तो उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? यू सी कंट्रोवर्सी डेफिनेटली वाज नॉट द इंटेंशन और द आइडिया. इफ यू लुक एट इवन माय फिल्मोग्राफी ओवर द इयर्स, आई हैव नेवर रियली बीन अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी. आई हैव ट्राइड टू स्टे अवे फ्रॉम इट. इन फैक्ट सो द आइडिया वाज दैट टुडे प्रमोशन के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग हटके आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है. एंड स्पेशली फॉर फिल्म लाइक वाताज वेयर यू नो your budgets as it is are limited, your resources are limited. So aapko un limited resources mein you want to make maximum impact. So we thought of one teaser kind of poster which will attract attention and which will generate that kind of curiosity that is needed for a film like this. Obviously we never thought that, you know, it will be blown out of proportion like that, wherein people will start getting very sensitive about the whole thing. But you know, if we've hurt anybody's sentiments, then we are apologetic for that, and we, you know, are very very sorry for that. But yes, controversy was never the intention. And in fact, post that we tried to just steer clear and stay away from anything which might create any controversy. Were you a little bit disappointed by the delay of the film? नहीं, ताजमहल बनने में भी काफी टाइम लग गया था ना. तो मेरे लगता है कि अच्छी चीज बनने में कभी कभी उतना टाइम देना जरूरी है. एंड ईच फिल्म कम्स विद इट्स ओन डेस्टिनी. And I am a firm believer in that. So I guess it's okay. Certain things are bound to happen at a particular time, and this is the time for Vataj. Now that you have turned director, did you give any inputs to the director? No, sir. I do not interfere with my director or my producer's work. I try and stick to my work, which is acting when I'm working as an actor. And I guess if I'm able to do that properly, I'll consider that as a huge अच्छी मैं रहने दो, कितना बोलोगे उनको. सो बट नो नेवर. इन फैक्ट अजीत जी वुड बी द पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन इफ आई रियली इंटरफियर. अजीत जी बताओ जरा, कभी इंटरफियर किया मैंने कभी? वेरी गुड, जितना सिखाया उतना ही बोलना है ना. चल रहा है सर, चल रहा है, चल देगा माइक भी डर गया. हेलो, नहीं इंटरफियर नहीं किया ना उन्होंने? नहीं नहीं कभी नहीं. अगर इंटरफियर किया होता तो 32 दिन में पिक्चर कंप्लीट नहीं होती. क्या बात, अजीत जी क्या Obedient. एक ब्लैक कॉमेडी की तरह बनाई है या सटायरिकल कुछ बनाया? सर ये ब्लैक कॉमेडी है और इसके माध्यम से हमने समाज को कुछ देने की कोशिश की है और समाज को समझेगी देखेगी. तो पवन जी ऐसी फिल्में अधिकतर, जी जी इधर 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 ही है जी, ऐसी फिल्में जितनी बनती हैं, आपने इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, तो आपने सोचा था कि आपकी जिंदगी में ऐसी फिल्म आ जाएगी? क्योंकि कहानी में हर चीज एक ट्रिगर पॉइंट होता है, बीज
बिंदु होता है हमेशा, कौन सी चीज ऐसी लगी कि यार ये कमाल की, ये हिट है फिल्म, मुझे फिल्म बनानी चाहिए? एक तो ये पिक्चर जो है किसी भी मूवी से इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत बड़ी बात। और मैंने इतनी मूवीज देखी हैं आज तक, इससे मिलती जुलती हुई कोई कंटेंट या वाले कोई मूवी नहीं है जी। बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, मेरा एकदम इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी को बनाने में पहले। जब मैंने स्टोरी सुनी, कुछ मेरे पॉइंट्स थे उसको क्लियर किया, फिर मुझे लगा कि शायद ये पिक्चर बनाने में कुछ लीगल हैजल्स आएंगी या कुछ होगा या नहीं होगा। फिर मैंने कुछ एडवोकेट से इसके बारे में पूछा, तो लगा कि नहीं ये सब चीज़ हो सकती है। तो देन वी स्टार्टेड दिस मूवी, और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि जो भी ये मूवी देखेगा, ये इसका जो कंटेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अलग है। ये कोई मतलब एज्यूम नहीं कर सकता कि ये किस तरीके से टर्न आउट होगी लास्ट में जाकर के। बहुत बढ़िया, कैसे है बाबा? तीन चीज़ है उसमें। एक तो सबसे पहले बैंजो रितेश देशमुख और रवि जाधव की पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। वो रितेश देशमुख हिंदी इंडस्ट्री में मेरा सीनियर है, हाँ वो मेरे से पहला आया है, एकदम बाजे गाजे के साथ हिंदी इंडस्ट्री में आया था और आया है। तो उसके साथ अगर कंपेरिजन होता है तो मैं अपनी खुशकिस्मती मानता है। दूसरा बात यह है कि कॉम्पिटिशन राइवल में होता है, दोस्ती में नहीं होता। वो मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरी दोस्ती है, कंपटीशन नहीं है। और तीसरा बात ये है कि मेरे को लगता है ये महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि चार महाराष्ट्रियन बच्चों को आशीर्वाद देने का। वाह, रवि जाधव, रितेश देशमुख, श्रेयस तळपदे और मंजिरी फडणवीस, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। अगर हमको सुपरस्टार बनाने का है तो ये अपॉर्चुनिटी है महाराष्ट्र के हाथ में, हमको नीचे से ऊपर लेके जाने का, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं। मंजिरी मैडम, did being a Maharashtrian girl help you in portraying this character in any way? Yes, absolutely. I understand Marathi very well. Unfortunately, my Marathi is not very good because my dad was in the army and I've lived in north all my life. But I know Marathi and I phonetically hear a lot of Marathi and I know the dialects and everything. So it helped me with my dialogues and everything and the body language. So yeah, of course it did. How was it like working with Shreyas? I used to call him Guruji on the set. I used to snatch away a lot of his punchlines and all, and he very lovingly gave them to me also. He was damn sweet. Who would not, you know? She would just turn and then I would say, okay, two more lines. मार्केटिंग तो चलो कॉस्ट तो अलग चीज़ है, लेकिन जैसे आपने बड़ी फिल्म बोला, अनुराग ने भी छोटी फिल्म बोला, तो मुझे लगता है कि पब्लिक बनाती है इसको, बड़ी या छोटी फिल्म हम लोग नहीं बनाते, क्रिएटिव लोग अपना काम करते हैं। तो ये फिल्म देखने के बाद ऐसा नहीं लगा, जैसे अगर आप देखें तो कहानी भी बहुत छोटी फिल्म थी, ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट थी वो, तो इसमें वो फ़र्क नहीं था, पब्लिक ने उसको बड़ी बनाई, तो कॉन्टेंट बड़ा होता है। और ये भी बहुत बड़ी फिल्म बनेगी क्योंकि इसका कंटेंट उतना ही पावरफुल है। मार्केटिंग हम लोग इसकी दो वीक कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म कोई रीज़न से डिले होती रही, जैसे श्रेयास ने बताया कि ताजमहल भी बनते हुए लेट हो गया, तो ये फिल्म के साथ भी बहुत सारे हादसे हुए और फाइनली आ रही है। तो ये देखेंगे तो अभी बार बार देखो, मैं PVR प्रोमो चला रहा है, अदरवाइज उन लोग भी शोकेसिंग में बहुत ये होते हैं, पहली बार उन्होंने एग्री किया कि ये हर प्रॉपर्टी पर प्रोमो चला रहे हैं, तो इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हो रही है। और मतलब 23 सितंबर से अगला वीक जो होगा वो सिर्फ वात आज दिखाई देगा हर टेलीविजन पे। शिवाय को लेके, शिवाय की बात आज नहीं करते। मेरा नाम तो अच्छी बात है कि उसकी चाय भी चल जाए, 10 साल पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ये 10 साल पहले इनका दिया वो पंचलाइन है, वो यूज किया उन्होंने, ठीक है माफ किया, रॉयल्टी नहीं लेंगे, प्लीज आप मत दीजिएगा। ये सवाल सिन्हा साहब और सलीम साहब दोनों से है कि ताजमहल से जुड़े हुए हमने दो तीन चीजें सुनी थी इससे पहले। एक तो शकील साहब की लाइन थी कि एक शहनशाह ने बनवा के ऐसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी। शायर साहब ने कहा कि
ایک شہنشاہ نے تاج محل بنا کے غریب کی محبت کا اڑایا مذاق. اور آخری لائن جو ہم نے سنی وہ یہ تھی کہ اپٹا نے ایک پلے کیا تاج محل کا ٹینڈر. تو یہ کس طرف جاتی ہے فلم سلیم صاحب کو انسپریشن ان میں سے کسی سے آیا یا کہاں سے آیا تھوڑا سا وضاحت کریں. اصل میں فرسٹ ٹائم جب تاج محل دیکھنے گیا تو وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی میں نے, اور میں وہاں کے ایک سیکورٹی والے سے پوچھا کہ کمائی کتنی ہوتی ہے, تو اس نے پورے سال کی کمائی ایک اندازن بتائی مجھے. تو میں نے سوچا کہ پیسے جاتے کہاں, تو اس نے بولا سینٹرل گورنمنٹ تک جاتے ہیں. تو میں نے سوچا اگر تاج محل کچھ ہو گیا تو, اس نے میری شکل دیکھا بولے ایسا کیوں کریں آپ. میں چلا گیا وہاں سے, لیکن میں کھڑے ہو سوچتا رہا اگر تاج محل یہاں سے ہٹ جائے تو کتنا نقصان ہو جائے, اور سچ مچ اگر کسی نے اس کے اوپر کیس کر دیا کچھ کر دیا تو کیا ہوگا. وہاں سے انسپائر ہوا میں, میرے ساتھ ایک ڈائریکٹر تھا, اس سے میں نے کہا, بولے کیا بیوقوفی کا تھاٹ ہے, ایسا کچھ چلتا نہیں. لیکن میں اس پر ورک آؤٹ کرتا رہا دو تین مہینہ. جب لائن اپ تیار ہو گئی میں دو تین لوگوں کو سنایا, لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. اجیت جی اڑتا اڑتا تھاٹ انہوں نے سنا, اور ہم لوگ جوگیشری اسٹیشن کے باہر گاڑی کے اندر بیٹھ کے تھاٹ سنا انہوں نے, اور بولے کوئی پروڈیوسر ملے نہ ملے میں آپ کو صبح میں ایک ٹوکن دیتا ہوں, میرے لیے آپ اسکرپٹ لکھیے. اور میں نے لکھنا شروع کر دیا. شکریہ, بہت بڑھیا. سنگیت, سب سے پہلے تو میں سنگیتکار کو ہی بلانا چاہوں گا جو یہاں پہ اپستھت ہے, بپن پٹوا جی, اگر گورب جی ہیں, گورب ڈگاؤکر, جے دیو کمار جی. اس فلم میں تین میوزک ڈائریکٹرس ہیں. جے دیو کمار جی نے اس میں گانا دیا ہے ٹائٹل سانگ, جے دیو کمار اور کمار نے. بپن پٹوا جی نے اس میں دو گانے دیے ہیں, ایک بھجن ہے دوسرا صوفی ہے. اور گورب ڈگاؤکر جی نے اس میں لاونی دیا ہے. چونکہ مہاراشٹر کے بیس پہ یہ پکچر ہے تو لاونی ہونا بہت ہی آوشیک ہے. باقی بپن پٹوا جی بتائیں گے آپ کو. سوال کوئی ہو تو پوچھیں آپ, تو ہم اس کا جواب دیں. تھینک یو. کتنے گانے ہیں اس میں دوست؟ اس میں کتنے گانے ہیں اوورال؟ چار گانے ہیں. دو ہم نے کیے ہیں. اچھا اچھا, تو یہ کن کن پہ چاروں گانے کن کن پہ بیسڈ ہیں؟ ایک تو جیسے بتایا لاونی ہے. ہمارے جو دو گانے ہیں اس لیے دو کریکٹر ہیں مین, تو جن کے اوپر بھیج کرے ہلو, تو ان کے اوپر پکچرائز کیے گئے گانے ہیں. اور تھوڑے ایک بہت دنوں بعد ایسی کوئی فلم مجھے ملی, بہت زیادہ فلمیں نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن ایک ایسی فلم ملی جس میں بھجن بنانے کا موقع ملا, تو میں خوش تھا کہ چلو ایک اچھی ایسی فلم ہے, ایسی اسکرپٹ ہے جس میں بھجن بنانے کو مل رہا ہے. ادروائز آج کل تو وہ ماحول نہیں ہے کہ آپ کو بھجن یا کچھ ایسی چیزیں بنانے کا موقع ملے. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اجیت جی. ایکچولی ہماری جو ہیروئن ہے نا بڑی اسمارٹ ہے, اس نے لائنیں بھی چھین لی مجھ سے اور گانے بھی چھین لیے اس نے, تو چھوری چھچوری ہے میل کے وائس میں, لیکن ڈانس یہ کر رہی ہے اس کے اوپر, فیمیل کے وائس میں ہے آپ کو چھوری چھچوری, سو یہی ناچ رہی ہے, سب یہی کر رہی ہے. بھجن میں بھی یہی ہے, صوفی میں بھی یہی ہے, پھر ہم نے اس کو ٹائٹل ٹریک سے تھوڑا دور ہی رکھا. لگتو گھر رہے نہیں سر, لیکن اس کے پیچھے تو آپ ہی ہیں نا. ابھی نا تم کو کون سا گانا سب سے پسند ہے اس میں جتنے گانے ہیں؟ ٹائٹل سانگ مجھے پسند ہے, کافی کیچی ہے, تو ٹریلر میں بھی جب پلے ہو رہا تھا تو بہت انٹرسٹنگ لگتا. آپ گا لیتے ہیں؟ تھوڑا سا گنگنا تو دے یار. اس کا بڑا ڈیفیکلٹ لیرکس ہے. بپن پٹوا جی آپ گا دیجیے بھجن. کانا میرے کانا دکھ کی کھڑی ہے, کیسے کہوں میں مشکل بڑی ہے, تو ہی تو تارن تو ہی تو پالن. کیا بات, بہت بڑھیا. تھینک یو گائز. ایک لاسٹ کوشچن. I guess we'll talk more about that when we have a press conference for Poster Boys.
today, I think we'll just stick to. I'm very, very happy and glad that, you know, that is happening, and I'm going to be directing that. It's a huge opportunity for me, and huge pressure, considering there's going to be 2.5 kilo ka haath. But I'm very happy, and I'm really looking forward to that. Sidhu, last question. ऐसा पकड़ाना ऐसा नहीं 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 मैंने यार आई हैवंट रियली डन दैट द ओनली फार्मिंग आई हैव डन इज आई हैव प्लांटेड सम मैंगो सैपलिंग्स ओवर एट माय प्लेस और मैंने मतलब चैलेंज किया था मेरे वाइफ के साथ वाइफ एक्चुअल वाइफ कि ये ऐसे उसकी गुठली लगाने से आम का पेड़ आ जाएगा और मैंने काफ़ी सारे 10-12 लगाए और 10-12 आ गए सो आई एम वेरी हैप्पी तो अब मैं उनको थोड़ा देख रहा हूँ कि अगले साल तक वो और थोड़े बड़े हो जाओ 4-5 साल में हमें मैंगो भी मिले ओ या दैट तो आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड अजीत जी ने इनफैक्ट दैट डे सेम मॉर्निंग ही सेड सर चलिए आपकी एंट्री और हमें ले गए अच्छा वहाँ से आपकी एंट्री तो बोला अच्छा अच्छा कैसी एंट्री एक्चुअली सर आप बैठ जाइए ट्रैक्टर पे तो मैं पीछे जाके बैठ गया बोला अरे नहीं नहीं सर आपको ट्रैक्टर चलाना है बोला ये कब हो गया सो देन ही सेड आप चला लेते हो ना सो मैंने कहा सर आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बाइक चला लेते हो गाड़ी चला लेते हो ना तो मैंने कहा नहीं चला तो नहीं बट देन आई प्रैक्टिस फॉर अ लिटिल वाइल आधा एक घंटा एंड देन आई ड्रोव इट सो देन वी अगेन यू नो आगरा में वी ट्राइड इट अगेन वहाँ पे बट इट वॉज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि इतनी इतनी बड़ी वो गाड़ी और उसका अंदाज़ा और उसका जजमेंट और उसका स्पीड सारा मैच करना थोड़ा टेंशन वाला मामला था बट मज़ा आया नहीं जब से ये स्क्रिप्ट आपने समझ में आई थी और सुनी थी तब से ये टाइटल था क्योंकि ये वाहताज जो है ना एक तो हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी चीज ताजमहल है और सबसे खूबसूरत है और इतनी शक्तिशाली चीज है इतना पैसा कमाती है वो ताजमहल अगर हम इसको बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए ताजमहल हमारे लिए हेरिटेज है तो तुकाराम जो है किसान वो भी हमारे लिए हेरिटेज ही है इस देश में लोग बोलते हैं कि भारत किसानों का देश है बट किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है ये हम सबको मालूम है तो उसके टक्कर के लिए किसान के टक्कर के लिए ताजमहल से बड़ा कोई चीज हो नहीं सकता था नहीं ये दोनों में लगेगी और मल्टीप्लेक्स फर्स्ट लगेगी क्योंकि मल्टीप्लेक्स की ही फिल्म आई है सिंगल स्क्रीन की नहीं बोल सकते हैं लेकिन ये ज्यादातर मल्टीप्लेक्स में लगेगी थैंक यू गाइस ये हम लोग लास्ट वीक में डिसाइड करेंगे बट अच्छी शोकेसिंग करेंगे क्योंकि इसको पीवीआर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है उससे ऊपर भी बोल सकते हैं कि अमित जी ने इसको फिल्म को सपोर्ट किया है जी हां शुरू के वॉइस ओवर बोलेंगे शुरू के वॉइस ओवर बहुत कमाल है श्रेयस मंजरी एक फोटो आप लोगों के साथ थैंक यू गाइस बहुत-बहुत शुक्रिया गाइस आप लोगों का स्नैक्स बाहर है फोटो थैंक यू सब थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू एंड नाउ जिन्होंने